चैनल टिप्स थिएटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिखा श्रीवास्तव आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेरा वो नया वीडियो कौन सा है। हम सबकी परेशानी है कॉकरोच। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर सभी के घरों में कॉकरोच आ ही जाते हैं, चाहे हम घर की कितनी ही सफाई करें। हमारे किचन के कबर्ड में, किचन के शेल्फ में, हर जगह कॉकरोच कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ये जब हो जाते हैं तो इनके होने से बहुत सी बीमारियों का डर भी रहता है। आप मेरा किचन का ये कबर्ड देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर क्रेज़ी लाइन लगाई है, बहुत सारी चीज़ें लगाकर देखा, परंतु कॉकरोच से मुझे निजात नहीं मिली। आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर कर रही हूँ दोस्तों, उससे आपके घर में जो भी कॉकरोच होंगे वो बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे। सभी की समस्या को दूर करने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया है दोस्तों। खासकर किचन के अंदर की अलमारियों में जो कॉकरोच छुपे होते हैं, उन्हें हम किस तरह से बाहर निकालें, और इसमें हम कोई भी केमिकल वाली चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे। सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ है दोस्तों बोरिक एसिड। आप देख रहे हैं इसे बोरेक्स भी बोला जाता है, बोरिक एसिड भी बोलते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। 35 रुपीज़ का ये पैकेट है दोस्तों। तो जब भी हम ये बोरिक एसिड, या जिसे हम बोरेक्स भी बोलते हैं, बोरेक्स पाउडर भी बोलते हैं, यदि ये कॉकरोच थोड़ा सा भी खा लेता है दोस्तों, तो उसे होता है डिहाइड्रेशन, और उसके कारण उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह बिगड़ जाता है और तुरंत ही कॉकरोच खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप एक बार ये बोरेक्स पाउडर किसी भी केमिस्ट शॉप से ले आएं, आप देखेंगे बहुत ही तेज़ी से इसका असर आपको दिखाई देगा। सुबह आप देखेंगे कि 5 से 7 कॉकरोच आपको मरे हुए मिलेंगे। तो दोस्तों मुझे भी ऐसा लगता है कि अब कॉकरोच हो गए हैं मेरे घर पर, क्योंकि 2-3 महीने में दोस्तों डर रहता ही है। समय समय पर हमें इन कीड़ों का ध्यान रखना ही पड़ता है, चाहे कॉकरोच हो, चाहे मक्खी हो, चाहे चींटी हो। तो मैंने इस तरह से छेद वाली एक डिब्बी ली है, ये देखिए दोस्तों, और इस तरह से इसे स्प्रिंकल कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ स्प्रिंकल करके। तो आज मैं मेरे किचन के जो डब्बे हैं जिसमें मैंने रवा, मैदा, गुड़ सब सामान रखा हुआ है, इसमें एक दो बार मुझे इसके अंदर कॉकरोच के अंडे भी दिखाई दिए हैं। तो दोस्तों आज मैं जो आपको ट्रिक शेयर कर रही हूँ, आप इसे ज़रूर करके देखें। तो इस तरह से मैं ये जो मेरा ये जो ड्रॉअर है, उसमें मैं ये बोरेक्स पाउडर को स्प्रिंकल कर रही हूँ। आप चाहें तो जो हमारी नमकदानी होती है दोस्तों, उससे भी आप इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं, नहीं तो आप चम्मच की सहायता से भी धीरे धीरे इसमें डाल सकते हैं। कोई भी बोरेक्स पाउडर का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों, इसलिए कोई डर नहीं कि हमारे खाने की चीज़ों में लग जाएगा तो जहर है, बिल्कुल नहीं, कोई भी डर नहीं है। तो इस तरह से मैंने हर डब्बे के साइड साइड में हल्का सा इसे स्प्रिंकल किया है, और कुछ डब्बों को हटा रही हूँ मैं, क्योंकि सब डब्बे हटाने का कई बार टाइम नहीं होता है दोस्तों, और खासकर किचन में ही सबसे ज़्यादा कॉकरोच होते हैं और किचन में ही सबसे ज़्यादा सामान होता है। तो इस तरह से थोड़े बहुत डब्बे मैंने हटाए हैं और अंदर की तरफ इस बोरेक्स पाउडर को मैं डाल रही हूँ। तो दोस्तों आप इस उपाय को ज़रूर करें। दूसरा मेरा जो उपाय है दोस्तों, वो है खाने वाला सोडा, जिसे कि हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो मैंने ये जो नमकदानी होती है जिसमें कि हम नमक, जिसे हम अपने डाइनिंग टेबल पर रखते हैं दोस्तों, तो इस नमकदानी में मैंने ये खाने वाले सोडे को इस तरह से इसमें भर लिया है, ताकि मुझे इसे स्प्रिंकल करने में आसानी हो, इसलिए मैंने इसे भरा है। बाद में आप इसे खाली करके नमक भर सकते हैं, परंतु अभी के लिए आप ऐसा ही करें, जो भी नमकदानी है उसमें आप इस बेकिंग सोडे को डाल दें और इस तरह से किचन प्लेटफॉर्म पर चारों तरफ स्प्रिंकल कर दें। अभी मैं आपको स्प्रिंकल करके भी दिखा रही हूँ कि किस तरह से हमें करना है। ये मेरे किचन की ही खिड़की है दोस्तों, जहाँ पर ग्लास ये सब रखे हुए, यहाँ पर भी कई बार मुझे कॉकरोच के अंडे दिखाई दिए हैं। तो बस इस तरह से मैंने बेकिंग सोडा नमकदानी में भर लिया है और उसे मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। बेकिंग सोडा यदि हमारे गिलास बर्तनों में भी जाता है तो कोई डर नहीं है दोस्तों, ये तो इसे तो हम खाने में यूज करते ही हैं, पर कॉकरोच इससे जरूर मर जाते हैं। तो ये मेरा दूसरा तरीका था, और खासकर रात के समय भी दोस्तों कई बार मैं अपने किचन प्लेटफॉर्म में इस तरह से इस खाने वाले सोडे को स्प्रिंकल कर सकती हूँ। आप चाहें तो बोरेक्स पाउडर भी यहाँ पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तीसरा तरीका बता रही हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिया है विनेगर। विनेगर को मैं स्प्रे की बॉटल में भरूंगी, थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, विनेगर और पानी का स्प्रे तैयार करना है दोस्तों। यदि स्प्रे की बॉटल है तब तो बहुत अच्छा है, और नहीं है दोस्तों तो आप कोई भी बॉटल के ढक्कन में छेद कर लीजिए और आप स्प्रे कर सकते हैं। विनेगर से भी कॉकरोच बहुत ही जल्दी भगते हैं, सबसे अच्छा क्लीनिंग एजेंट होता है वाइट विनेगर। मात्र 25 रुपये की इसकी बॉटल आती है दोस्तों, और हमारी बहुत सी सफाइयों में विनेगर काम आता है। तो ये किचन के जो हमारे सेल्फ के अंदर के जो डब्बे हैं दोस्तों, उन्हें हम कैसे साफ करें, इतना आसान नहीं कि हम एक एक डब्बे, एक एक क्रॉकरी हटाएं और फिर काम करें। तो आप चाहें तो इसके जो किनारे की लाइनें दिख रही हैं दोस्तों, अंदर का जो शेल्फ का जो नीचे का हिस्सा होता है,
आपको मैं स्प्रे करके दिखा रही हूँ। नीचे के हिस्से में मैं इस तरह से विनेगर का स्प्रे कर रही हूँ ताकि यदि कॉकरोच के अंडे भी हों उसमें या छोटे छोटे कॉकरोच के बच्चे हों वो भी निकल जाएं, अपने आप ही विनेगर के स्प्रे से वो बाहर आ जाते हैं। साथ ही किचन के प्लेटफॉर्म के किनारे की तरफ भी कई बार हमें दिखता है दोस्तों, इससे चींटियाँ भी नहीं होंगी, मान लीजिए चींटियाँ हैं तो भी नहीं होंगी। स्विच के आसपास भी मुझे कई बार कॉकरोच के अंडे दिखाई देते हैं दोस्तों, तो इसी तरह मैं इस लकड़ी जो सेल्फ है उसके नीचे की तरफ स्प्रे कर रही हूँ। मेरा अगला जो उपाय है दोस्तों वो है कपूर। कपूर की खुशबू से कॉकरोच बहुत ही तेज़ी से दूर भागते हैं और दोबारा घर पर नहीं आते हैं, तो ये मैंने कपूर का पैकेट लिया है दोस्तों। तो एक कपूर की टैबलेट मैं इस तरह से ले रही हूँ, आप चाहें तो एक कटोरी में इसे रख सकते हैं या आप चाहें तो सादे ही ऐसे ही रख दें। तो मैंने अपने शक्कर नमक का जो डब्बा है उसके पास में एक कपूर की टैबलेट रख दी है। अब इस सेल्फ में बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं आएंगे और यदि होंगे तो वो अपने आप दूर भाग जाएंगे क्योंकि कपूर की स्मेल बहुत ही तेज होती है। अब मेरा जो अगला उपाय है दोस्तों इसे भी आप जरूर करें, कोई सा भी डिश वॉश जो भी आपके पास हो, बर्तन साफ करने वाला लिक्विड सोप वो आपको लेना है। बस एक बात का ध्यान रखें, इसे हमें एकदम गाढ़ा रखना है। तो मैंने स्प्रे की बॉटल में ये डिश वॉश डाल दिया है दोस्तों और थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। इस बात का ध्यान रखें कि डिश वॉश हमारा गाढ़ा होना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा इसे लिक्विड नहीं करना है। तो आप रात के समय किचन प्लेटफॉर्म पर बस इस तरह से स्प्रे करें जैसे मैं करके दिखा रही हूँ। जब आपका रात को खाना बन जाए, डिनर हो जाए, उसके बाद आप इसे स्प्रे करें और रात भर आप इसे ऐसे छोड़ दें। इससे भी दोस्तों कॉकरोच जो होंगे वो साबुन इतना तेज रहता है कि इससे भी कॉकरोच मर जाते हैं और दोबारा नहीं आते हैं। तो इस तरह मैं रात भर छोड़ देती हूँ। बस एक काम है दोस्तों कि सुबह उठकर हमें एक बार इसे पोंछना पड़ता है। तो स्पंज जो वाइपर होता है दोस्तों, स्पंज वाइप जो होता है ये तो ज़्यादातर सभी के घर में होता है या आप सादे कपड़े से भी इसे पोंछ सकते हैं क्योंकि अब सुबह के समय हम खाना बनाना शुरू करते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल भी साबुन प्लेटफॉर्म पर नहीं होना चाहिए, तो पोंछ लें। रात को सोते समय किचन सिंक को पोंछना, ड्राई करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो मैं बस ये जो स्पंज वाइप है इससे मैं किचन सिंक को ड्राई कर देती हूँ। नींबू के छिलके ज़रूर डाल दें दोस्तों, इससे किचन सिंक से खुशबू भी आती है। वो नींबू के टुकड़े जिन्हें हम यूज़ कर लेते हैं रात के समय या दिन के समय भी आप ये छिलके ज़रूर पड़े रहने दें, आप देखेंगे किचन सिंक से बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। तो दोस्तों ये तरीका था, बोरेक्स पाउडर का बताया मैंने, एक विनेगर का बताया, विनेगर नहीं हो तो आप लेमन ले सकते हैं, एक मैंने लिक्विड सोप से बताया और अगला तरीका बताया आपको बेकिंग सोडा से और एक बताया है कपूर के साथ। आप किसी भी एक या दो उपाय को करें, आप देखेंगे आपके घर से कॉकरोच बिल्कुल भाग जाएंगे और दूसरी बार आपके घर में नहीं आएंगे। साथ ही प्लेटफॉर्म का जो साइड का हिस्सा होता है दोस्तों इसे इस तरह से पोंछना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि कुछ फूड पार्टिकल्स इसके किनार में भी लग जाते हैं। तो इस तरह से रात के समय किचन प्लेटफॉर्म की जरूर सफाई करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर।